माँ पुस्तकर तृतीय अध्याय श्री अरविंद। जदि जीवन पथरे सकल भय संकट एवं सर्वनाश विरुद्ध कवचावृत हो चलवाक चाह तेब केवल दुईटी जिनस प्रयोजन से दुईट सर्वदा एक संगे रहे। प्रथमटी है माँ भगवती करुणा आ द्वितीयटी है तुम आड़ श्रद्धा निष्ठा समर्पण से गठित तुम अंतकरण। तुम श्रद्धा होगा उचित शुद्ध सरल एवं पूर्ण मन और प्राणर अहमात्मक श्रद्धा जो श्रद्धा को उच्चाभिलाष गर्व आत्माभिमान मनर दंभ स्वेच्छाचारिता व्यक्तिगत दाबी निम्न प्रकृतिर सकल तुच्छ तृप्तिर कामना कलुषित कर रखी से श्रद्धार अनुन्नत धूमाच्छन्न शिखा स्वर्लोक दिगरे ऊर्ध को प्रचलित हो उठे ना। मने रख भागवत कर्म ओ भगवत अभिव्यक्ति रे साहाज्य निमित्त तुमको तुम जीवन दिया होई आउ किछि आकांक्षा करा नहीं केवल दिव्य चेतनार विशुद्धि शक्ति ज्योति प्रसारता प्रशांति आनंद सकाशे आकांक्षा कर जेपरिक चेतना तुम मन प्राण देह को रूपांतरित ओ सर्वांग सुंदर कर गढ़ा निमित्त सतत सचेष्ट हो उठ आउ किछि चाह नहीं केवल पृथ्वी उपरे तुम मध्य जो मैंने अधिकार पाई जो मानक ग्रहण कराई से मध्य भागवत आध्यात्मिक अतिमानस सत्य और ताहार बास्तव सिद्धि को चाह एवं चाह से अवस्था और व्यवस्था जार आनुकूल्य ही सत्यर सृष्टि एवं सकल विरोधी शक्ति उपरे पूर्ण विजय। तुमर आंतरिकता और तुमर समर्पण यथार्थ एवं संपूर्ण जेब तुमको निजको देदेक हुए तेब निशेषर दे दियो कौन सी दाबी कौन सी सर्त कौन सी कुंठित भाव रख ना जहाद्वारा तुम सकल वस्तु दिव्यजन नहीं अहंकार अथवा अन्य कौन सी शक्ति को देवा सकाशे जेपरी आउ किसी अवशिष्ट नुमर श्रद्धा तुमर आंतरिकता और समर्पण जिते पूर्णतर हो माँ करुणा और अभय से घेरी रही माँ भगवती करुणा और अभय तुम संगे रही तेब आपरी कौन अच्छी जहाँ तुमको स्पर्श कर तुम्हें भय कर यह कृपार अल्प टिके भी तुमको सकल बाधा विपत्ति और संकटर पार करदेव तांकर पूर्ण उपस्थिति जदि तुमको आवृत कर रखे तेबे निरापद तुम पथरे तुम्हें चल जापर कारण से पथ है माँ ए जगत अदृश्य जगत समय कौन से शत्रु शक्ति जिते शक्तिशाली होना कहीं तुमको स्पर्श करना कौन सी विभीषिका तुम चिंतार कारण हो पारना यह करुणार स्पर्शे संकट सुजगे व्यर्थता सार्थकत दुर्बलता अमोघ सामर्थ्य परिणत हुए कारण दिव्यजननी अनुकंपा है परमेश्वर अनुमति एवं होपर होहार फल सुनिश्चित पूर्व निर्दिष्ट अवश्यम्भावी और अनिवार्य।